जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों नू मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच सिंगू बॉर्डर ते पहुंचे हां। तुसी देख सकदे हो कुछ तुहानू अज अपडेट्स दिखावांगे किस तरह बॉर्डर दी कंडीशनस इत्थे चेंज हुईआं हन। तुसी वेख सकदे हो मेरे पिछे किस तरह ये पूरा राह पहले खुला हुंदा सी पब्लिक लई, मीडिया लई, आगुआं लई, गड्डियां लई। इस वेले ये बैरिकेड पूरी तरह इस चीज़ नू, इस एरिया नू, इस एंट्रेंस पॉइंट नू सील करता गया। इत्थे आपां सिंगू वाली साइड ते खड़े हाँ ते जिस तरह तुसी देख सकते हो ये जो वड्डे वड्डे टैंपो फ्रेट है ये इत्थे लगाए हुए है बार्बड वायर ते उहदे पिछे एक किस्म की सरहद बनाती है सरकार ने, उहदे पिछे दिल्ली पैंदा है। मैं तुहानू इत्थे एक चीज़ दिखाना चाहनी हाँ, तुसी इहनू देखो अपने अखां तो देखो। जिथे एक पासे बिल्कुल फौज जमा हुई हुई है, एक किस्म का वॉर जोन क्रिएट की गई है, उत्थे इस पासे सिंगा की फौज भी तैयार है कि तुसी साडा अजमा लो, जिन्ना मर्जी हौसला अजमाना आपां डट के इत्थे खड़े हाँ। अज दे एपीसोड दे विच ना कि सिर्फ तुहानू सिंगू बॉर्डर ते जिथे अज मीह भी पिया उत्थे किस तरह हालात चेंज हो रही हैं उहदी भी गल कर रहे हैं। कुछ किसान आगुआं नाल तुहाडी गल करावांगे कि कुछ अपडेट्स उन्होंने वालों वो तुहाडे नाल सांझी करना चाहते हैं। जिथे 6 तरीक की गल आती है चक्का जैम की तैयारी हो रही है, किसान आगुआं वालों की कुछ अपडेट्स वो तुहानू दसना चाहते हैं कि तैयारियां हो रही। तो जिथे एक बहुत वड्डी गल इस मोर्चे दे विच कुछ पिछले दिनों दे विच वेखन नू मिली है, वो सरकार ने पुलिस नू किस तरह इस्तेमाल किया है, किस तरह वख-वख पर्चे दर्ज किए गए हैं, भावें वह किसान आगुआं के खिलाफ होन, जथेबंदियों के खिलाफ होन, मोर्चे के हिस्सेदारों के खिलाफ होन, जिन्हों के विचों किन्ने हले तक लापरवाह है, उन्हों का कोई गिनती नहीं, कोई नामो निशान नहीं। हले पुलिस ने यह तक नहीं दसिया कि उन्होंने गिरफ्तार किया गया, वो कस्टडी में है या नहीं। पत्रकारों नू भी ये चीज़ फेस करनी पई है। अज सिंगू ते जिथे इन्नी रौनक लगी हुंदी सी प्रेस दी, उत्थे तुसी एक किस्म दी सूनापन महसूस कर सकदे हो। प्रेस वल्लों एक तरह दा खौफ पैदा हो चुके है, बट फिर भी जो पत्रकारों दा काम है वह कर रहे हैं। ते इत्थे जो एडवोकेट्स पहुंचे है जो अपनी सपोर्ट सारियां लई एक सेवा दे तौर ते ऑफर कर रहे, उन्हां दे नाल भी गल करावांगे तुहाडी कि वो तुहानू दसना चाहते हैं। अगर तुहाडे कोई परिवार लापता हन, अगर तुहाडे खिलाफ़ कोई एहो जी परचा या कोई एहो जी कार्रवाई चल रही है, तुसी की जानकारी पा सकते हो। सिंगू टिकरी ते गाजीपुर पहुंची हुई लॉ दी टीम्स, एडवोकेट्स दी टीम्स की सर्विसेज प्रोवाइड करी ओदी भी गल करांगे। बट एक बार फिर तुसी देख लो सिंगू बॉर्डर जिथे पहले तुहानू किन्नी वारी इत्थे दे नज़रिया दिखाए, किस तरह ये हुण थोड़ा जिहा चेंज हो चुकिया है। आपां सिंगू वाली साइड ते खड़े हाँ, लेकिन मैं तुहानू एक बार फिर दसना चाहनी हाँ जो मोर्चे दे विच इत्थे पहुंचे हुए है उन्हों का हौसला उन्ना की बुलंद है। मैं कहांगी होर भी ज़्यादा मजबूत हो चुके है उन्हों का हौसला। तो चलते हैं गल करते हैं इत्थे पहुंचे हुए वख-वख आगुआ दे नाल ते प्रोटेस्टर्स दे नाल। सिंगू बॉर्डर जिथे सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस ते सारे किसान आगू लगातार इत्थे इकट्ठे होके अपनी डिस्कशंस ते इंटरनल मीटिंग्स करते हैं, उत्थे साडी अज टीम पहुंची है ते गल हो रही है प्रोफेसर प्रेम सिंह पंगू जी दे नाल। पंगू जी, थोड़ी जी अपडेट्स तुहाडे तो लैना चाहती सी। अज फरवरी 4 तरीक हो चुकी है ते कुछ एस्केलेशन सानू वेखन नू मिले। सब तो पहले तो जो साडे व्यूअर्स अब्रॉड सानू वेख रहे हैं USA, कैनेडा, UK, उन्हां नू इन्नी आपां कह सकते हैं वो चिंतक हो रहे हैं कि सिंगू बॉर्डर ते किस तरह सरहद दी हालात बना चुके हैं, इत्थे पुलिस फोर्सेज इन्नी जमा हो चुकी हैं। उन्हां नू तुसी की दसना चाहोगे कि जिथे आपां बैठे हैं काफ़ी शांत माहौल इत्थे हैगा, बट अगे बॉर्डर दी एंट्रेंस ते किस तरह दी डिवेलपमेंट्स बारे तुसी दसना चाहोगे? देखो इस तरह है भी BJP सरकार बहुत ही होछे हथियारों हथकंडे ते उतरी हुई है। 26 तरीक की घटना जो वो बहुत ही मनभागी, बहुत ही डूंगी साजिश अधीन सरकार ने की सी, जिसका मनसूबा बड़ा स्पष्ट सी कि इस अंदोलन नू एक तो खंडा दिता जाए, दूजा इस अंदोलन दे विच एक फिरकू वंड पा दी जाए, पार्टिकुली पंजाब ते हरियाणे दे विच। इसे लिए उन्होंने जो किसान परेड लिए सानू रूट दिता सी उस रूट नू ब्लॉक किया, उन्होंने सानू उधर जाने दिता गया सेंक्शन रूट ते, जेडे रूट ते वो किसानों नू भेजना चाहुंदे सी, जेड़ा उन्होंने मोटिव सी उधर किसानों नू भेजिया। तो कुछ मुठ्ठी भर लोग जिन्हों का इस किसान अंदोलन नाल कोई संबंध ही नहीं है
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਚਲਵਾਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 26 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਡਯੰਤਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਜੈਂਟਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 27 ਨੂੰ, 28 ਨੂੰ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟਬੈਕ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਇਹ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹਮਾਰੀ ਏਕਤਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਛੇ ਹਥਿਆਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 36 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ, 36 ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, 307 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 113 ਬੰਦੇ 307 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਆਏ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਲੋਕ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 115 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟਡ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 29 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕਰੂਡਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹੀ, ਤਾਂ 15 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਸਨ, 14 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਰ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ IT ਸੈੱਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ 32 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਟੇਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ ਪਤਾ ਕਰਾਵੇ
कि वह कितने ने वो असी करवावे जल्दी उन्होंने पता करावे तो जेलों से बंद जोड़े नौजवान उन्होंने बाहर कढ़ावे ये साड़ी लीगल टीम है इस काम के उपर परसों चौथे असं कम कर रहे हैं एक्टिवली हूँ भी अं तैयार बैठे हैं दिल्ली जाने लिए इसे काम के उपर ये पर लगे हुए हैं सर जिथे हाई कोर्ट का ये रोल आंदा है तो उम्मीद है या तो कॉन्फिडेंस है कि कोर्ट एक ऑब्जेक्टिव बॉडी के तौर पर इस सिचुएशन दे विच अपना रोल अपना अधिकार निभाओगी देखो होर तो कोई रेमडी नहीं है एज पर ला पुलिस तो बाद पुलिस तो एक इनवैसटीगेटिंग फोर्स है उन्होंने बंदे डिटेन करने इनवैसटीगेट कर लें जी रेमडी केवल कोर्ट्स के कोर्ट्स इस तरह तक भी कोई अनफेयर ने फेयर कोर्ट्स है कोई ऐसी गल नहीं जोड़े बंदे इस तरह कोई परेशान किए ने हरास किए ने गलत ऑफेंस किए ने इनोसेंट ने इलीगली कन्फाइन किए हुए ने कोर्ट्स हमेशा इंटरफीयर कर दें ने वो कई बार वरंट ऑफिसर भी अपॉइंट कर देंगे ने असी दसीए भी साढ़े ये बंदे ने 20 तरीक तो गैब ने यह सानू शक है फलाने फलाने पुलिस स्टेशन के पर दे हैव बीन डिटेन्ड इलीगली कन्फाइंड विदाउट रजिस्टरिंग एनी केस तो वह वरंट ऑफिसर अपॉइंट कर देंगे वरंट ऑफिसर पुलिस स्टेशन विजिट करता है और जाके उन्होंने वो जड़ा फड़ लेंदे जे बंदे उत्थों मिल जाते हैं उन्होंने तो उन्होंने पर कार्रवाई होंगी है कानून अनुसार है होर कोई इसका अल्टरनेटिव है नहीं जिन्हें भी लापता बंदे ने ना उन्होंने ट्रेस करने का होर कोई अल्टरनेटिव नहीं है दो ही अल्टरनेटिव ने या पुलिस डिस्कलोज करे भी कितने ने वो जे वो नहीं करती तो असं हाई कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट डायरैक्ट करे टू द पुलिस नोटिस करे उन्होंने वरंट ऑफिसर अपॉइंट करे तो वह दसणगे भी कितने ने वो फिर जे जो पाए जाते हैं गिल्टी जिन्होंने उन्होंने बिना केस रजिस्टर किए हुए गैर कानूनी हिरासत के रखा दो दिन रखा हफ्ता रखा दैन दे आर द मेन कल्परेट कोर्ट उन्होंने खिलाफ कार्रवाई भी करती है जिन्होंने रखे ने यह प्रक्रिया कानून की है ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਦਿਸ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੀਪਰਕਸ਼ਨਸ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਸਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਕੰਡੈਮੇਬਲ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਰਿਪਰੈਸਿਵ ਮੈਜ਼ਰਸ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂ ਸਹਿਮ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਜਦਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੀਕ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਫਾਲਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੈਸ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਰਸਤੇ ਘੇਰਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੇਨ ਟੈਕਟਿਕਸ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਫੋਇਲ ਦਾ ਪੀਸਫੁਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਲੋਕ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਆ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੈਟਬੈਕ ਹੋਈ ਤਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਨਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਟਰਾਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਪਸਰਜ ਆਫਟਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਸਿਵ ਮੈਜ਼ਰਸ ਲਏਗੀ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਅਖੀਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ 6 ਤਰੀਕ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਕਾ ਜੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 6 ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ 6 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੱਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ
उन्होंने बिल्कुल अपील किया जाए MSP और स्टेट प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस उन्होंने एक लीगल स्टैचूटरी राइट वो सानू दिता जाए गरंटी का कानून एकदम मंग ये है। दूजी मंग जिहड़ा बजट थोड़े सामने आया बजट सरकार दियाँ किन्ने ढोल ढमके के बावजूद ये टोटल एंटी फार्मर बजट है। उहदियां दो तीन गल्लां तुहानू दस दिंदे असीं भावें सरकार ने कहा भी किसानों की आमदन बड़ी दुगनी कर देनी है पर जिहड़ी एग्रीकल्चर नू एलोकेशन सी लास्ट ईयर दे विच वो एलोकेशन ही 10,000 करोड़ रुपए घटा दी गई है। और दूसरा जिन्ना GDP का खर्च एग्रीकल्चर दे हुंदा सी वो 1% घटा दिता गया। नंबर 3 जिहड़ी प्रोक्योरमेंट एजेंसी है फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया क्योंकि सारी खरीद वो करती है चाहिए तो यह भी वो बजट की एलोकेशन वधाओ ता कि सारिया किसानों दी फसलां वो MSP ठीक दो और खरीद है जिहड़ी सरकार पैसा उन्होंने दवे खरीद वो खरीदिया जान। ये होया उल्ट भी FCI नू जिथे पिछले सालों तुसी कहो 1,50,000 करोड़ रुपया एलोकेट से FCI नू किया होया भी तुसी ये सारिया एग्रीकल्चर जिहड़ियां प्रोड्यूसर खरीदो पर ऐतकी उस FCI नू रीस्ट्रक्चर नहीं खत्म किया जा रहा जिहदे विच एक पैसा नहीं रखा उन्होंने 0% है बजट के FCI लिए। उसका मायना की है भी सरकार MSP डिकलेयर करन तो और खरीद करन तो वर्चुअली भज गई उन्होंने करना नहीं यही मेन ऑब्जेक्ट है खेती कानूनों का जिदे तहत खेती प्राइवेटाइज करना MSP बंद करनी सरकारी खरीद बंद करनी और यदा सारा जो प्रबंध है मुठ्ठी पर जोड़े कारपोरेट सैक्टर वाले अदानी अंबानी आ दूजिया मल्टीनेशनल उन्होंने सौंप देना ये बड़ी ड्रैकोनियन लॉ है बड़ी ड्रास्टिक पॉलिसी है फॉर डिस्ट्रॉइंग द एग्रीकल्चर ये बजट तो भी रिफलैक्ट होंगी है। तीजा साढ़ा इस जो रिप्रेसिव मेजर सरकार लै रही है साढ़े उपर परचे दर्ज करने लोग जेलों के बंद ने कुछ गैर कानूनी हिरासत के ने इंटरनेट सेवाएं बंद ने साढ़े पत्रकार मीडिया परसनस न एक दी दा जे परसों ही बेल हुई है पूनिया की इत्थे भी आने तो बड़े जिहड़े गलत तरीके वरते जा रहे हैं फ्रीली नहीं आन दे रहे असं तो अपनी PC च देखते हैं कि उन्ने लोग नहीं आ रहे बड़िया हर्डल्स क्रिएट की जा रही ने कदे तुसी किसे नू अपना कार्ड दिखाओ कदे कुछ होर करो डिले करो उन्होंने आने तो यह सारे रिप्रेसिव मेजरस ने क्योंकि फ्रीडम प्रेस और फ्रीडम ऑफ गैदरिंग एवरीथिंग विच इज ग्रंटिड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने सारे को भी कितने ना कि खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आर्टिकल 19 और 21 दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल ने कॉन्स्टिट्यूशन दोज ग्रंटी लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए परसन ये दोवों की जे तुम भी इतें ही पाबंदियां लाइया लोगों आने तो रोकना है जेड़ा लाइफ एंड लिबर्टी कितने रह गई उन्होंने बनाया हुआ संविधान आपे उस संविधान धज्जें उड़ा रहे हैं। सब तो वध कहिंदे भी सब तो वध इंडिया डेमोक्रेसी है वर्ल्ड दी नंबर 2 अमेरिका तो बाद डेमोक्रेसी इत्थे डेमोक्रेसी कित्थे है कॉन्स्टिट्यूशन की नंगी चिट्टी ब्लैंकेट वायोलेशन है नेकड उसकी और डेमोक्रेसी धज्जियां उड़ाई जा रही पीसफुल लोगों को मुकदमे दर्ज करके जेलों में बंद करके सुनवाई कोई नहीं है और इन्ना पुलिस का टैरर है ये डेमोक्रेसी तो अपने आप ही खत्म कर रहे हैं। सो इन सारिया चीज़ों के खिलाफ असं सारे भारत के 6 तरीक न प्रोटेस्ट वजो लोगों की रिजेंटमेंट वजो 3 घंटे चक्का जम की कॉल दी है लोगों में बड़ा भारी उत्साह तुम देखोगे पंजाब हरियाणा राजस्थान UP उत्तराखंड तो ईवन साउथ के भी लोग बड़ी वड्डी गिणती सड़कों पर आएंगे और सरकार की नीतियों के खिलाफ डट के जवाब देंगे इकट्ठा होंगे। प्रोफेसर प्रेम सिंह पंगू जी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू जी थैंक यू। किसान आगू रूल सिंह मानसा जी दे नाल गल हो रही है हुन मानसा जी सब तो पहले तो मैं तुहाडे तो ये पुछना चाहवांगी जिथे ये जो सरहद दी तरह इत्थे सिंगू ते टिकरी बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर ते ये बैरियर्स ये किल गाड़ दिते गए है उन्हां दे नाल इत्थे जो माहौल है ते हौसला हैगा उहदे ते कोई इफेक्ट पिया है? मेरा ख्याल है भी जदों असीं फसल दी राखी करनी हुंदी है ना असीं भी तकड़ी तार लाउने आ
तगड़ा उत्थे राखा खड़ाने डांग दे के खड़ाने वो ठठा चुट्टा फिर भी बढ़ जाता है। मोदी को खतरा हो रहा भी किसान कितने अंदर ना बढ़न, वह तारा ला रहा है तो उत्थे किल कढ रहा है। मेरे ख्याल है किल धरती च नहीं कढ रहा, यह मोदी की हिक च कढे जा रहे हैं, आपदे आप कढ़ता है, किसानों तो डरता है, उन्होंने नहीं डरना चाहिए। असी कदे वास्ते जो साडे आ लीडर से लड़न वाले हाँ, असी कदे चोरियों काम नहीं करिया, असी जे खेड़ते हैं पत्ते दिखा के खेड़ते हैं, जिदे असी जाना हो पार्लीमेंट में ना दे किल रोकणगे ना सानू बड़े रोकणगे, उदे असी बागी जम गए, पर हजे साडा रद्दा बड़िया नहीं, असी अंदोलन लम्मा चलाउणा। जे तां असी अंदोलन नूं खड़ेड़ना होवे, आपदे घर नूं जाणा होवे, फिर तां कोई इहो जिहा फैसला लै लईए। इत्थे इहनूं तां चाचा जीत सिंह ने 9 महीने चलाया, सानूं तां महीने मेरा ख्याल दिल्ली सभा तो हुए ने, हजे तां 7.5 महीने रहिंदे ने, असी 7.5 महीने चलाउणा, हजे उहो जिहा कदम असीं नहीं चक्कणा चाहुंदे। जिदे साडे 9 महीने पूरे हो गए, उदे सोचणगे की बणना। सर ये जो तुसी किल्लां दी गल कीती, ये तां नहीं रोक सकते, जो परचे दर्ज किए गए आगुआं दे खिलाफ या जो वक् वक् जथेबंदी दे लीडर्स हन, पत्रकार हन, वो किस किस्म दी रुकावट पैदा कर सकते? उदों मेरा ख्याल एक मॉडल मिल गया सानू, रुतू सिंह 24 परचे दर्ज सीगे, जे मेरे मरे तो बोलते प्रधान तो 24 परचे, हुण 25 बोलणगे। मतलब परचा एक साडा मतलब शान है लीडरां दी, जिहड़े लीडर दे सर परचे नहीं हैगा उह करूगा की? मैं कहना असीं बारिश की दें साडे, असीं उहदे वारस हां जिहने बंद बंद कटाया, असीं उहदे वारस हां जिहड़े मतलब चरखियां ते चढ़े ने, जिहड़े तत्तियां देगां च वाले गए ने, गए आरियां नाल चीरे गए ने, साडा कोई बंद तां नहीं कटिया, परची ने। कुछ इहो जी मीडिया आउटलेट्स कह रही हैं कि यह तां अंदोलन खाली पंजाब दा सिखां दा अंदोलन है, इहदे विच कुछ गिनती दे विच किसान इत्थे आए हुए है, लेकिन सानू कुछ पिछले दिनों दे विच इह वी वेखण नूं मिलिया यूपी हरियाणा तो होर वड चढ़ के इत्थे लोग आ रहे हैं, ते तुसी इस अंदोलन दे विच जो हिस्सेदार हन उहनां दी गिनती बारे खास करके 26 तों बाद की कहना चाहुंदे हो? जे 26 तों बाद मैं उद्दी साहिब किताब ला के आपदे नाल दे साथी लीडरां नूं कहता सीगा भी इन्होंने एक हफ्ते के इन्हें मुड़ों सबलंदियों से आ जाना, चिंतित ही साढ़े मेरे साथी नाल दे भी प्रधान जी मोबाइल बंद हो गए फलाना वगैरह आउणगे किवें, मैं कहा जिन्ना अपने ते किल्ली कसणगे उन्ने लोगों ने हौसले च हो जाना, वो एडे तो नहीं भी आप, उन्होंने पता भी साढ़े बजुर्ग उत्थे बैठे, साढ़े नौजवान उत्थे बैठे ने। मेरा ख्याल है खा पंचायतों चाहे वह राजस्थान की है, यूपी की है, हरियाणे की है, हूँ कल कि कट्ठ होगा, इको खा पंचायत ने कट्ठ करेगा कि वाला कट्ठ होगा, तो पंजाब दी पंचायतों ने फैसले कर लिया। मेरा पिंड नंगला मगरला 60 बंदे आए ने, वार्डा चो एक वार्ड चो इन्ने जाणगे, मैं कल रोटी टट्टी भी खा के आया, वो मैं कहा इन्ने क्यों ने तुसीं, कहिंदे होर की करिए, तो मैं कहा तुसीं ऐ करो 20 बंदे रहा करो, इत्थे 20 आ जाया करो, 20 वग जाया करो, नहीं कहिंदे जी असीं 60 बंदे इत्थे रखांगे, तुसीं चिंता ना करो, असीं कबाड़ दे विचों 10 बंदे तोरने, तुसीं इह गल दी चलो, मैं कहा तुहाडी मर्जी है। फिर मेरा ख्याल लोकां ने फड़ लिया फैसला, पहला सानूं कहना पैंदा सी, हुण सानूं कहना नहीं पैंदा। अच्छा सर ये भी हुन नवी डिवेलपमेंट जिथे सेलेब्रिटीज़ खास करके फॉरेन सेलेब्रिटीज़ इस अंदोलन में अपनी आवाज़ चक रहे हैं, तो उन्होंने वेख के ऑल ऑफ अ सडन रातों रात भारत के भी कुछ सेलेब्रिटीज़ बॉलीवुड स्टार्स तो भी सुन उन्हों का बयान सुनने मिले इस चीज़ से, तुम कह लो काउंटर बयान सुनने मिले, वह ख्याल च इस अंदोलन से किस तरह का इंपैक्ट होएगा? जे कि लड़ाई हो जाए एक बंद चार बंद कुटने आ जाए ठीक है ना, कहना मगरों एक बंदा ललकरा मार दे तगड़ा हो जी मैं आ गया तो मूरलियां दे पैर हल जाते हैं, साडे नूं पहला बोलना चाहिए सीगा, विदेशी बोले ना उन्हें ललकरा मारिया ना साडे हक च, कोई भी बोलेगा, कोई पत्रकार बोलेगा, कोई फिल्म स्टार बोलेगा, कोई गाउन वाला बोलेगा, वो हक च बोले, जदों उन्होंने ललकरा मारता नाल दी नाल इन्होंने मारता, जे पहला मारने की सैनी नहीं गल होंदी। ते हुन तुहानू लगदा है जो अंदोलन दे सपोर्टर हन उहनां दा सुभाव इन बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेसेस दे खिलाफ हुन हो जाऊगा, या तुहानू लगदा उहनां नूं इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है? मेरा ख्याल है इक्को कुड़ी कंगना कुंगना गई, मेरा ख्याल वह खासा बोलदी है, देख मेरा कसबा मैं लेडी के खिलाफ ज्यादा बोलदा नहीं, वो मेरी पोती हाण दी हो सकदी है, मैनूं दिंदी है भी, पर उहनूं सैणी होवे नहीं बोलना चाहिए, जे कोई साडे हक च बाज बुलंद कर गया उन्होंने नहीं बोलना चाहिए, वो साढ़े खिलाफ बोल गए, सा लीडर कहते खिलाफ़ बोले, कोई भी 40 लीडर से खिलाफ़ बोले हुई है, फिर मेरा ख्याल पढ़ी लिखी कहाँदी है, सियानी कुड़ी है, पैसे वाली कहाँदी है, चंकी तह पदमी से पहुंची है, फिर वो साढ़े कामड़ी है कि सियानी है उन्होंने पूछ लो। सर हुण 6 तरीक नूं लै के आगुआं दे वलों की प्लैनिंग हैगी, जिस तरह इत्थे पिछले हफ्ते सानू ये पत्थरां दी बरसात वेखण नूं मिली सी जिहदे खिलाफ पुलिस ने जिस तरह दा एक्शन लिता वह भी सानू वेखण नूं मिलिया, हुण 6 तरीक नूं जो चक्का जैम दी प्लैनिंग है उहदे विच किस तरह दी प्रैपरेशन आगुआं वलों जथेबंदियां वलों हो रही हैं, ताकि जो अंदोलन दे विच हिस्सेदार हन उहनां दी सुरक्षा होए, उहनां ते इस तरह दा कोई हमला ना होए?
सुरक्षा तो साड़ी सरकार ही करी जाती है, घेरी जाती है भी बाहरों आके तो हमला ना हो जाए। ठीक है ना गल भी वो इस करके सरकार को डर हो रहा, नहीं डर करना चाहिए। मैं पहला भी कहता वो कुछ करी जाती है, लोगों की हिमायत है, सानू सारे लोगों की अंदोलन साड़ा चढ़ती कला च है, पूरा इकट्ठ है। पर मैं बेनती लोगों को यह करना चाहना, इतने ना सानू खोज की लड़ है ना बदनामा की लड़ है। ठीक है, सुक्का रसन लिया वो खंड है, वो गैस सिलेंडर है, वो दूसरा वो समान लिया, दूजे समान की सानू कोई लड़ नहीं। एक मैं सुन दसदा लड़ाई साड़ी असल 26 तरीक में शुरू हुई है। पहला तो साड़ा है एक मेला सी, मतलब मैं कहना भी चाहना साड़िया धर्म स्थाना जिहड़िया संस्थावां ने उन्होंने आके लंगर ला ले, उन्होंने आई थी विसाखी का मेला भी 3 दिन निबड़ जू, उन्होंने आए नहीं पता थी भी यह बलावा मोदी ना पै जटा का निबड़ता नहीं होंगे गा, बहुत चिर लगना गा उन्होंने, वह भी संकट जाके आना ही आना लम्मा चला, कोई खाजदा वाला नहीं होंगे। चलो फिर भी मैं उन्होंने धन्यवाद करता, खा पंचायत है साड़िया धर्म स्था जिहड़िया संस्थावां ने चलाई जा रही, फिर भी वो इन्ना कुछ कर रही, मैं धन्यवाद करता। एंड सर अखीर च मैं सिर्फ यही तुहाडे तों पुछना चाहुंदी हां, जो साडे NRI वीर पैना बाहर बैठी हैं उन्हां नूं तुसीं की मैसेज देना चाहोगे? बस यही है जिवें साडी पहला मदद करदे ने उवें जोकर मदद रखण, जिहे जिहे तरीके दी कर सकदे ने, असीं स्पैशल नहीं कुछ कहांगे कदे वास्ते। उन्हां ने बहुत मदद करी है, पैसा 3 चीज़ां नाल अंदोलन जित्तिया जांदा, मनी वह वाधू है साडे कोले, लोकां दा इकट्ठ वह वाधू है साडे कोले, खुराक वो वाधू है साडे कोल, 3 चीज़ां साडे कोल वाधू है। मोदी ने भुलेखा जंग असीं जित के जाऊंगे, मोदी कोल उन्ने टैंक होने नहीं जिन्ने साडे टैंक खड़े ने इत्थे, मेरे ख्याल मोदी कोल शायद वो टैंक इन्ने होने नहीं मेरे हिसाब मुताबक, मैंने गिणती का नहीं पता, पर साडे कोल उदू ज़्यादा टैंक ने। जे मोदी ने साडा अंदोलन कुचलना, मैं आखिरी गल कहना गा, फिर समझ लो जही पाकिस्तान जंग लग गई तो जही साडे नाल लग गई, फिर तो कुचलाया जा सकता है। जे मोदी सोच ले हुण तां तोप ते बंब ही सुट्टणे ने, फिर तो इहनूं कुचल लूगा, माड़े तां नहीं साडे अंदोलन नूं कुचल नहीं, जिहड़ा मर्जी जोर लाओ। रुलदीप सिंह मानसा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, सत श्री अकाल। चंडीगढ़ बेस्ड रजविंदर सिंह बैंस जी दे नाल जिस तरह तुहानू पिछले कुछ दिनों विच गल कराई सी, ते उन्हां दी टीम वल्लों इत्थे पहुंचे हुए होर एडवोकेट्स ट्रॉली टू ट्रॉली जा रहे हैं। कौशल जी, सब तो पहले मैं तुहाडे तों पुछना चाहवांगी कि किन्ना क तुहाडा वड्डा इत्थे ग्रुप है ते तुसीं की सेवावां प्रोवाइड कर रहे हो? साडे टोटल जिहड़ा इह ग्रुप आ, जिहड़े बैंस सर ने ते नवकिरण सर ने उन्हां दे अंडर असीं 150 वकील आ जिहड़े टोटल इकट्ठे होए ने तिन्नां ही बॉर्डरां दे उत्ते, जिवें कि बूथ साडा इत्थे लग्गा होया इहदे तिन्नां बॉर्डरां उत्ते इक इक बूथ सैटअप आ। साडा जिहड़ा इह बूथ आ इहदे जिहड़े अगवाई कर रहे ने सिमरनजीत कौर गिल मैम ने, साडे जिहड़े वकील ओह अगवाई कर रहे ने, पर उहदी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं तां अज्ज ओह इत्थे मतलब पहुँच नहीं पाए हैगे, ते क्योंकि हुण जिहड़ी आ इंटरनैट सेवावां बंद कीतियां आ तो जिहड़े थोड़े मैसेज वगैरह असी नहीं पहुँचा सकते, वैसे तो अच्छे मेन स्टेज तो अनाउंसमेंट वगैरह करवा रहे हैं, पर फिर भी साड़ा फर्ज बनता कि मतलब कई वो लोग जिहड़े परेड ते गए सी हले तक वापस नहीं आए, क्योंकि यह पता लग गया कईआं ते FIR हो गई आ, कई हले लापता भी ने, उन्हां दी भाल विच असी मतलब टीम अपनी लै के मेरे नाल तानिया मैम एडवोकेट ने असी वो पहला सिमरजीत मैम साडे नाल जांदे सी, पर वो तबीयत ठीक ना होण करके साडे नाल नहीं अज जा रहा, तो असी ट्राली टू ट्राली जा के कल्ले कल्ले नूं पुछ रहे हां, उन्हां नूं हौसला दे रहे हां भी कोई घबराउण वाली गल नहीं आ, भी जे मतलब कोई भी इनफॉर्मेशन तुहानूं मिलदी आ तुहानूं तुहाडे आस पास नूं कोई इहो जिही ट्राली जिहड़ी खड़ी आ कोई उहदा मालक हले तक नहीं आया कि सानूं जानकारी प्राप्त दिओ, सानूं जानकारी प्रोवाइड करवाओ तां कि असी अगली जिहड़ी बणदी कानूनी कारवाई आ करवाई जा सके। इह जिन्नी भी सेवा सारी असी फ्री लीगल ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਤਿੰਨੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਲਾਪਰਵਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਥ ਲੱਗੇ ਹੋਏ? ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੂਥ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੈਨਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, 150 ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਿੰਘੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਦੀ ਜੋ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਲਵੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ
वेले तो मेरे नाल हुण जॉइन कर रहे रणबीर कौर पंगू जी जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट के हैड भी रह चुके हैं तो इतने उन्होंने सर्विसिज इस वेले जारी हैं। सब तो पहले रणबीर जी मैं थोड़े तो यह पूछना चाहूँगी कि जो मोर्चे दे विच भावें 26 तो बाद मिसिंग हैं या पत्रकार गिरफ्तार किए गए या जो किसान आगू ते जथेबंदियां वालों मैंबर्स के खिलाफ परचे दर्ज किए गए उन्होंने लैके कानूनी तौर पर इस वेले की सर्विसिज अवेलेबल हैं? जिदा कि सवेरे थोनू पंगू साहब ने दसिया है कि साढ़े 115 की लिस्ट जारी हुई है सर्टिफाइड फ्रॉम द तिहार जेल। सो उन्होंने लिए जो लीगल टीम है तो वह उन्होंने कार्रवाई कर रही है और जो अनट्रेसेबल है परसनस उन्होंने लिए भी वक् वक् थाणियों के कोई इनफॉर्मेशन जिदा केजरी सरकार दे वालों की गई है उन्होंने वालों कर रहे हैं। बाकी असी इन्होंने संयुक्त मोर्चे के पेज के उत्ते पा दिते ने फोन नंबरस पा दिते हैं उन्होंने फैमिलीज जिन्हें मिसिंग नंबरस हैं क्योंकि ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता वो उन्होंने उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपने बच्चों के नाम उन्होंने एड्रैस वो सानू दे सकते हैं। साड़ी पूरी लीगल टीम इस दौरान ये थोड़िया सेवावान के लिए हाजिर की गई है। मैडम इतने थोड़ी टीम लगातार हूँ प्रेजेंट है नंबर्स भी अपना स्क्रीन पर व्यूअर्स लिए दिखाए हुए हैं तुम की बेनती करना चाहोगे उन्होंने कंसर्नड फैमिली मैंबर रिलेटिवस लिए जो पिंड उड़ीक रहे हैं कि उन्होंने कोई कॉन्टैक्ट नहीं बन रहा अपने बच्चों नाल अपने होर मैंबरस नाल जो इतने आए हुए शायद वो मिसिंग हैं उन्होंने तुम की हौसला की उन्होंने तुम कहना चाहोगे कि उन्होंने करना चाहिए अज की डेट में? साड़ी पूरी टीम उन्होंने लिए कुछ भी करने लिए तैयार है कोई किसी भी तरह की लीगल सेवावान जो कानूनी कार्रवाई है उसके लिए असं तैयार पे तैयार हैं। इसलिए उन्होंने कुछ डरन की कोई जरूरत नहीं और उन्होंने पूरा असं कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम एक होर चीज़ एक पत्रकार होने के नाते अज आप सिंगू बॉर्डर पहुंचे हाँ तो जिते इन्नी इतने रौनक खास करके प्रेस वालों वेखन मिलती है आप जिते पीसीज होंगे उत्थे भी गए सी उत्थे थोड़ा सूना सूना जहा लग रहा है तो किसी हद तक ये आप फील कर रहे हैं कि कुछ डर कुछ खौफ जो पैदा किया गया सी इन एक्शनज़ नू लैके इन गिरफ्तारिया नू लैके इन डिटेंशनज़ नू लैके उहदा असर सानू वेखन नू मिल रहा है? 26 तो बाद थोड़ा एक दिन का ही सीगा मेरा ख्याल उस तो बाद 27 तरीक नूं अगर तुसी देखदे इस मोर्चे ते ये पूरा फुली रिवाइव हो गया सीगा जिस तरह सीगा और दिन पे दिन हुण ये बुलंदियां ते चढ़दा रहा है तो इस करके हुण कोई डरन की कोई जरूरत नहीं है। फ्रीडम ऑफ प्रेस है फ्रीडम ऑफ प्रेस इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक देर इज़ नो नीड टू फीयर एंड प्लीज़ मैं कहने पिंडा तो लोग होर अगे आन और अपने सारे जो डर है उन्होंने दिलों में वो कटे जा। मैम एक होर थिंग इतने जो यंग जर्नलिस्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वो भी वड्डी गिनती में सानू पहले देखने को मिल रहे सी कुछ हद तक जिदा मनदीप पूनिया के अरेस्ट तो बाद वो भी थोड़े पिछे हट गए उन्होंने तुम की कहना चाहोगे कि जदों इतने आते खास करके जिदा सिंगू टिकरी ते एक नवा फोर्टिफिकेशन एक हद तो वध बैरीयर्स लगा दिए गए हैं जो इस तरह के नवे यंग जर्नलिस्ट हैं उन्होंने की उन्होंने राइट्स है कि वो जाके कितनी कवरेज कर सकते उन्होंने तुम की सलाह देना चाहोगे? उन्होंने लिए भी जो एमएन कानूनी सेवावान ने उन्होंने लिए भी उन्ने ही उपलब्ध ने तो इस करके उन्होंने अगे बढ़ना चाहिए क्योंकि नौजवान जो पीढ़ी है वो ही इस मोर्चे को अगे लैके जाएगी। उस प्रेस का बहुत बड़ा रोल है स्टूडेंट्स का बड़ा रोल है एडवोकेट्स का बड़ा रोल है और साढ़े वर्गे लोगों का बहुत बड़ा रोल है जिन्होंने ये कहा जाता है कि तुहानू नॉन अवेलेबल चीज़ों लिए ऑफेंसिज लिए डिटेन किया जाएगा कानूनी तौर पर इज दैट ईवन लीगल या तो लगता है कि ये गैर कानूनी तरीके ये चीज़ा उन्होंने दर्ज की जा रही नहीं है तो ये गैर कानूनी है। देखो 307 की धारा लगानी इट इज़ ऑल टूगैदर गैर कानूनी इलीगल है पर क्योंकि सरकार के हाथ सब कुछ है तो इस करके कोई नहीं जो पोलीटिकल एजुटेशन खत्म होंगे ने किसान मोर्चे की जो खत्म हो जाएगी ये सारा कुछ वैसे ही खत्म हो जाएगा। मैम एक लास्ट क्वेश्चन जो इतने पुलिस वालों कुछ हद तो पार वायलेंस या अग्रैशन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ वेखन मिल रहा है वो भी कोई कानूनी तौर पर स्टैप लिते जाएंगे? क्योंकि देखो जी दिल्ली पुलिस है इट इज़ अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट वो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं है दिल्ली सरकार के नहीं है
तो उस दे लई जो जो कानूनी कार्रवाई होएगी उसके लिए असी तैयार भी तैयार हैं उन्होंने करांगे। Thank you so much, Ranbir Kaur Banguji, formerly head of the Law Department, Punjab University, the Singhu border te pahunche hoye te puri inadi advocates di team tusi dekh sakde ho ethe apni services provide kar rahe han।